आज मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और आप इस तरीके से एक बार ये ब्रेकफास्ट करके देखेंगे ना, तो आप अच्छे खासे समोसे, कचौरियाँ, ये सब भूल जाएंगे। और ये रेसिपी बनती भी है ना, तो सिर्फ 10 मिनट में बनती है। तो चलिए फटाफट हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे आप ट्रिप में जा रहे हैं और या आपको टिफ़िन पैक करना है स्कूल के लिए, तो या आप इजीली पैक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। तो हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं 1/2 kg। और इसे हम उबाल लेंगे, उबाल के छील के और अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये देखिए, और अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। और ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ 1/4 teaspoon हींग पाउडर। ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, इससे हाजमा भी बहुत सही रहता है। आप अपनी कुकिंग में इसे ज़रूर ऐड करें। और 1/2 teaspoon मैं इसमें राई डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon जीरा डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon सौंफ डाल रही हूँ, और 2 हरी मिर्च भी मैंने छोटा छोटा चॉप करके वो भी डाला है। और यदि आप स्पाइसी नहीं खा सकते हैं और या नहीं खाते हैं, तो इसे स्किप कर सकते हैं। और जैसे ये कड़क जाएंगे, वैसे ही मैं 7 से 8 पत्ते करी लीव्स के ले रही हूँ, और इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल, आप समझिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और गैस का फ्लेम हम धीमा कर देंगे, जिससे ये ओवर कुक नहीं हो। और अब मैं 1/2 teaspoon इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। जैसे ये डालेंगे, इसके बाद हम अपने उबले हुए आलू इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। जब भी हम सैंडविच बनाएं फिर, तो बिल्कुल भी हमारे सौगी नहीं बने। ये देखिए, इन्हें 5 से 7 मिनट तक हमें भूनना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, मैंने तो 1 teaspoon डाला है। और देखिए, ये मेरी क्वांटिटी है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 teaspoon इसमें चिली फ्लेक्स डाला है लास्ट में, और 1/2 teaspoon इसमें लेमन डाला है। अब हम डाल रहे हैं 1 teaspoon इसमें चाट मसाला, ये बहुत ही टेस्ट को अच्छा कर देता है। और ये देखिए, हमारे ये बन गए हैं। और अब मैंने गैस बंद कर दिया है, तो अब मैंने हरी धनिया से इसमें गार्निशिंग की है। हरा धनिया डालेंगे आप, बहुत स्वाद अच्छा आएगा। और अभी से हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी ब्रेड निकाल लेते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसे मैं सैंडविच मेकर में आज बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं। और ये देखिए, हमने बटर लिया है, बटर को हम अपने दोनों ब्रेड में लगा देंगे, पर एक साइड। और जिस साइड हम बटर लगाएंगे, उस साइड हम आलू का मसाला नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और देखिए, हमने ये आलू का मसाला लगाया है, इसके ऊपर हम अपनी दूसरी ब्रेड को रख देंगे, पर उस साइड रखेंगे जिस साइड हमने बटर नहीं लगाया है। और ये 2 सैंडविच का सैंडविच मेकर है, तो हम अपनी दोनों ब्रेड इसमें लगा देंगे। और हाँ, यदि आप बटर और घी नहीं खाते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और हाँ, मैंने इसमें लहसुन की लाल सूखी चटनी होती है ना, लाल मिर्च और लहसुन वाली, ये बड़ा पाव चटनी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इसके संग, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती है। आप इस आलू के मसाले के संग इसको ट्राई कीजिए, और सैंडविच हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अगर डालते हैं, तो आपको इसमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर बाद में आप इसे सूखा ही खा सकते हैं। और इसी तरीके से हम सारे सैंडविच अपने रेडी कर लेंगे। और यदि आप इस लाल सूखी चटनी की रेसिपी चाहते हैं, तो आप कमेंट करके आप लिख सकते हैं, मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी। और हम इसी तरीके से सारे सैंडविच अपने रेडी कर लेंगे, और ट्रस्ट मी, आप भूल जाएंगे आप अगर कुछ भी ऐसा खाते हैं कि मे बी जैसे पकौड़े हैं, समोसे हैं, ये समोसे भी इसको मात दे देते हैं, इतना ये स्वादिष्ट लगता है। और हेल्दी भी रहता है एक तरीके से, डीप फ्राई नहीं है ना, तो ये अच्छा भी है। और इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आप टिफ़िन में बच्चों के पैक करें, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो कितना क्विक है ये, बहुत जल्दी बनता है, और आप फटाफट पैक करके इसे ले जा सकते हैं, और ख़राब भी नहीं होते हैं, आसानी से आप पूरे दिन चला सकते हैं। और इस तरीके से हम बना लेंगे, और ये देखिए, बन के हमारे सैंडविच रेडी हो गए हैं। और हम इसे धीरे से निकालेंगे, क्योंकि ये गर्म बहुत है। और इसको मैं दिखाऊंगी आपको कि ये कितना क्रंची और कितना क्रिस्पी है, और ये लास्ट तक रहेगा, जब आप ठंडे भी हो जाएंगे तब भी ये ऐसा ही रहेगा। ये देखिए, है ना यमी, जितना यमी दिख रहा उतना खाने में भी है। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम अपने सारे सैंडविच बना लेंगे। और इस तरीके का अगर आपको ब्रेकफास्ट मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाए, दिन ही बन जाए, समझ लीजिए।
तो हम बना कर खाएंगे। और इसे आप किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खाएं, बारबेक्यू के संग खाएं, और या फिर आप मिंट की हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही यमी बनते हैं। तो दो पार्ट मैंने इसे कट किया है, अब मैं इसे और भी एक पार्ट में कट कर रही हूँ, यानी कि पूरा एक सैंडविच मैंने चार हिस्सों में कट किया है। आप चाहें तो इसे दो हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। चलिए परोसने चलते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं ये सैंडविच। तो ये मेरी रेसिपी आप देखें, और पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें।